ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं कृतिका, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज 24 में। डीएम ने तहसील सदर क्षेत्र के ग्राम चमकरी में क्रॉप कटिंग का लिया जायजा। खबर है एटा से। जिलाधिकारी सुखलाल भारती ने मंगलवार को तहसील एटा सदर क्षेत्र में ग्राम चमकरी में गेहूं फसल की कटाई का जायजा लिया। डीएम ने इस दौरान अपने समक्ष चमकरी निवासी कुशल पाल पुत्र बाबू सिंह के खेत में खड़ी गेहूं की फसल को अपने सामने कटवाया। डीएम ने फसल कटने के उपरांत पाया कि कुशल पाल के खेत में खड़ी गेहूं की फसल में कटान के उपरांत 3.60 कुंटल प्रति बीघा का अनाज पैदा हुआ है। डीएम ने अपील की है कि सभी किसान भाई गेहूं कटने के उपरांत सरकारी क्रय केंद्रों पर ही गेहूं को बेचें, आरटीजीएस के माध्यम से उनके फसल का भुगतान किया जाएगा। डीएम ने इस दौरान चमकरी में ही स्वरूप प्रकाश पुत्र सोने लाल के खेत में खड़ी गेहूं की फसल का भी जायजा लिया। एलआरसी अनार सिंह, कानूनगो हेम सिंह वर्मा एवं लेखपाल अवनेंद्र सिंह द्वारा मौके पर खड़ी फसल की पैमाइश करने के उपरांत मुआयना किया। डीएम ने इस दौरान मौजूद अन्य किसान भाइयों से भी वार्ता की, साथ ही निर्देश दिए कि किसानों की हर संभव मदद की जाए। डीएम ने यह भी निर्देश दिए हैं कि किसानों के खेतों में खड़ी फसल कटने के उपरांत उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर संबंधित लेखपाल द्वारा निस्तारित किया जाए। प्राइम न्यूज 24 के लिए विकास दुबे की रिपोर्ट। नहीं नहीं, ऐसा है ना कि शासन के निर्देश हर साल प्राप्त होते हैं और इसको बोलते हैं क्रॉप कटिंग प्रयोग। तो इसमें राजस्व विभाग के, विकास विभाग के, कृषि विभाग के समस्त अधिकारी होते हैं जो क्रॉप कटिंग का निरीक्षण करते हैं, अपने सामने खेत कटवाते हैं, कटवाने के बाद उसकी मड़ाई कराते हैं, फिर उसका वजन कराते हैं, फिर उसका एवरेज निकालते हैं। तो जनपद में 41 गांव चिन्हित किया गया है जिसमें एसडीएम मेरा है और सीडीओ साहब का है, दोनों एडीएम हैं, समस्त एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, कृषि विभाग के हैं, जिला कृषि अधिकारी और बीडीओ हैं सारे। तो ये सब अधिकारी जा करके जो डेट नियत होती है उस दिन जाते हैं गाँव में और जो जिस किसान का खेत चयनित होता है उसके यहाँ जा करके और राजस्व विभाग की सहायता से उसकी कटाई कराते हैं और कटाई कराने के बाद उसकी मड़ाई कराते हैं, फिर उसका वजन करते हैं। इसका मेन उद्देश्य यह है कि कोई एक खेत चुनने के बाद एक त्रिभुजाकार एक क्षेत्रफल लिया जाता है जो 43 वर्ग मीटर होता है। तो 43 वर्ग मीटर के खेत की गेहूँ, जिसमें गेहूँ की चल रही है क्रॉप कटिंग, तो 43 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल का पूरा गेहूँ काट करके और उसकी मड़ाई करके उसका एवरेज निकाला जाता है कितना पैदा हुआ। उसके हिसाब से हम लोग प्रति हेक्टेयर कि गेहूँ का कितनी पैदावार हो रही है, उसकी किसान की कितनी पैदावार हुई है उसका आंकलन कर लेते हैं, उसी आधार पर पूरे प्रदेश का, इसलिए कि हर ज़िले में जो है क्रॉप कटिंग प्रयोग होता है तो उसके आधार पर पूरे प्रदेश का एक औसत निकाला जाता है कि गेहूँ का उत्पादन प्रदेश में प्रति हेक्टेयर कितना हुआ है। लॉकडाउन के अलावा सर